मेरा पूरा देश सुन रहा। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इसराइल हमास जंग अब घातक मोड़ पर पूरी तरीके से ले चुका है। इस जंग ने पूरी दुनिया को विनाश के खतरे में ढकेल दिया है। दुनिया दो गुटों में बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में तीन सुपर पावर देश के बड़े नेता इसराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, उनके साथ मजबूती से खड़े हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ 57 इस्लामिक देश जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं, इसराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विश्व युद्ध की विसात बिछ रही है, क्या जल्द एक और विश्व युद्ध होने वाला है। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर दिनों दिन लगातार दुनिया को दो गुटों में बांट रहा है। अब तक फिलिस्तीन के हक की बात का हवाला देकर इस्लामिक देश इसराइल का विरोध कर रहे थे, अब गाजा के अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले के बाद तमाम मुस्लिम देश न सिर्फ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एग्रेसिव तरीके से दुनिया भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसराइल हमास वॉर के बहाने अब दुनिया भर को इस्लामिक पावर दिखाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सुपर पावर देश तो दूसरी तरफ इस्लामिक पावर देश, आखिर दोनों के बीच क्या होगा, यह भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। दुनिया भले ही गुटबाजी कर रही हो, जंग के दौरान अपना कूटनीतिक साधने की कोशिश हो, हिंदुस्तान किसी भी गुट को समर्थन नहीं करता। हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है, मारने वालों के खिलाफ है। और यही वजह है कि इसराइल में जब आतंकी हमला हुआ तो हिंदुस्तान ने इसकी कड़े लहजे में निंदा की, इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहा हिंदुस्तान। अब जब गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला हुआ, अस्पताल में 500 बेकसूर लोग की मौत हो गई, तो हिंदुस्तान पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हमास इसराइल युद्ध में हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। क्या है नए हिंदुस्तान का नया स्टैंड, ये भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इसराइल हमास जंग अब नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। इस जंग ने पूरी दुनिया को सबसे बड़े खतरे में ढकेल दिया है। इस जंग में रोजाना बेकसूर सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं, दोनों तरफ से लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं और इन हमलों में अब तक 5,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है, यह जंग और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ सुपर पावर देश एक साथ हैं, तो दूसरी तरफ 57 इस्लामिक पावर मुल्क एक साथ हैं। हालात यह है कि कब विश्व छिड़ जाए कोई नहीं जानता, कोई कह नहीं सकता, किसी को नहीं पता। लगातार विश्व युद्ध की विसात बिछाई जा रही है। हमास के साथ मजबूती के साथ इस्लामिक देश खड़े हैं, इसराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। इसराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सुपर पावर मजबूती के साथ खड़े हैं। और युद्ध के हालात में भी पिछले तीन दिनों में तीन देशों के बड़े नेता इसराइली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तेल अवीव पहुंचे। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि पिछले तीन दिन में कौन से बड़े नेता हैं जो इसराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात की, आपकी स्क्रीन पर देखिए।
पहले जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कोस तेल अभी पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन इसराइल पहुंचे, नेतन्याहू के साथ मजबूती के साथ खड़ाई दिखे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इसराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वो भी तेल अभी पहुंच गए। तीन बड़े नेताओं के वहां पहुंचने से क्या हो रहा है? ऋषि सुनक इसराइल पहुंचकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान ऋषि सुनक ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ब्रिटेन इसराइल के साथ खड़ा है। ऋषि सुनक ने कहा कि पिछले दो हफ्तों में यह देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसकी पीड़ा कोई भी देश सहना नहीं चाहता। पिछले तीन दिनों तीन महाशक्ति देशों के बड़े नेता का दौरा, फिर मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना, यह साफ बताता है कि किस तरीके से विश्व युद्ध की विसात बिछनी शुरू हो गई है। हमास के हमले के खिलाफ ये वैश्विक नेता लगातार एकजुट दिखाने के लिए इसराइल पहुंच रहे हैं और ये सभी देश इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अमेरिका का इसराइल को समर्थन अनोखा रहा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका इस तरह से खुलकर साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया और इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका इसराइल की जंग पार्टनरशिप चल रही हो। भले ही लड़ाई में सीधे तौर पर अमेरिका साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन इसराइल के साथ वो चट्टान की तरह खड़ा है। अमेरिका ने इसराइल को गाजा के अस्पताल में हमले पर क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका ने साफ कह दिया कि इसराइल को अपनी सुरक्षा करने का हक है। अमेरिका ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला पर हमले का समर्थन किया। अमेरिका के हमास के 10 आतंकवादी, उनकी आर्थिक मदद करने वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। अमेरिका पूरी तरीके से इसराइल के साथ खड़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा के प्रस्ताव पारित करने की कोशिश हुई तो अमेरिका वीटो पावर लगा दिया। अमेरिका के साथ इसराइल के हौसले को सातवें आसमान पर ला दिया है। अमेरिका इसराइल को हथियार दे रहा है और भूमध्य सागर में अपनी जंगी जहाज को तैनात कर दिया है। खुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन नेतन्याहू के पीठ थपथपा कर आए हैं। बाइडेन के लौटते ही नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित किया और तीन बातें साफ कर दी है। वो तीन कौन सी बातें हैं वो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। नेतन्याहू ने हमास के सामने क्या शर्त रखी है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसराइल ने दो टुक कहा है कि जब तक उसके बंदगों को हमास रिहा नहीं करेगा तब तक इसराइल अपने यहां से गाजा पट्टी तक कोई मदद नहीं देगा। इसराइल ने अपने बंदगों के साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के दौर की मांग की है। इसराइल मिस्र के मानवीय मदद को तब तक नहीं रोकेगा जब तक ये मदद सिर्फ दक्षिणी गाजा के लोगों तक सीमित है। अगर ये मानवीय मदद हमास तक पहुंचती है तो उसे तुरंत रोक दिया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसराइल ने दो टुक साफ कह दिया, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो सब करेगा। गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला, 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि इसराइल दबाव में आएगा। दुनिया भर में हो रहे विरोध इसराइल के हमलों की रफ्तार धीमी करने पर मजबूर कर देगा। इसराइल के तेवर और ज्यादा कड़े हो गए। अब इसराइल हमास के फाइनल बदला लेने की तैयारी में। गाजा सीमा पर युद्ध टैंक एक आदेश का इंतजार कर रहा है। एक ऑर्डर के साथ ही ये सैनिक टैंक लेकर गाजा बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, हमास के दहशत गर्दों को चुन चुन कर साफ कर देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 17 अक्टूबर की रात गाजा पट्टी के अस्पताल पर हुए हमले में 500 बेकसूर लोगों की मौत हो गई। इस अस्पताल में हमले के वक्त न सिर्फ इलाज कराने वाले लोग थे, डॉक्टर भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग
शेल्टर हाउस के तौर पर इस अस्पताल में रह रहे थे। ऐसे में अस्पताल पर हुआ हमला ये बताता है कि कितना भयानक था। गाजा पट्टी पर हुए इस भयानक हमले के बाद उंगलियां इसराइल पर उठने लगी, सवाल भी उठने लगे। इस हमास पर हमला तो सही है, बदले की भावना में बेकसूर मासूमों को मौत के घाट उतारने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसराइल पहली बार इस युद्ध में नैतिक सवालों का सामना करने लगा है। हमास के हमले से दुनिया भर मिल रही सहानुभूति अस्पताल पर हमले के बाद खत्म होते दिखने लगी है। अमेरिका मददगार बनकर खड़ा हो गया। इसराइल पर लगे बेकसूर लोग की मौत के दाग से बचने की कोशिश हो रही है और गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट है, अब भी लगातार बनता दिखाई दे रहा है। और इस हमले के बाद से जो बाइडन के साथ अरब देशों का शिखर सम्मेलन होना था लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। बाइडन इसराइल से ही लौट कर आ गए। गाजा के अस्पताल में सैकड़ों लोग की जान जाने पर मुस्लिम देश आग बबूला है और इस पूरे मामले फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के अलग अलग देशों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें जॉर्डन के लोग हैं, तुर्की के लोग हैं, लेबनान, इसराइल, मोरक्को, ईरान, यमन, इराक जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से इसराइल को किए जाने वाले मदद से मुस्लिम देश पहले ही नाराज चल रहे। उसके बाद अमेरिकी जो बाइडन ने जिस तरीके से गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में नेतन्याहू को क्लीन चिट दी है, उसके बाद इस्लामिक देश आग बबूला हो गए। इस्लामिक संगठन सहयोग संगठन की ओर से बुलाई गई आपातकालीन बैठक में यह तय किया गया कि अगर मुस्लिम देशों पर पाबंदी लगाने की योजना बना रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसराइल, उसके सभी सहयोगी देशों के ऊपर भी बैन लगा देना चाहिए, तेल की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप कर देनी चाहिए। और इस बैठक में इस्लामिक देशों ने कई फैसले लिए हैं। मैं आपको राष्ट्रीय आवास के जरिए बताना चाहता हूं कि ओआईसी की किन मुद्दों पर बातचीत हुई और इस बैठक में क्या मांग रखी गई है वो आपकी स्क्रीन पर है। अस्पताल हमले का जिम्मेदार इसराइल, अस्पताल पर हमला युद्ध अपराध, फिलिस्तीनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर, नागरिकों के विस्थापन पर नाराजगी, मानवीय मदद पहुंचाने की छूट, इजरायली हमले को रोकने की अपील, संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद से अपील की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ओआईसी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ गुस्सा खत्म करने, फिलिस्तीन में मानवीय मदद भेजने की इजाजत देने की अपील की है। इसके लिए सीधे तौर पर ओआईसी ने इस सब के लिए इजरायली सेना को जिम्मेदार ठहराया। तस्वीर साफ है, एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन जैसे सुपर पावर देश इजरायल के साथ खड़े हैं तो दूसरी तरफ 57 इस्लामिक पावर देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ दुनिया विश्व युद्ध की विसात बिछाने में लगी है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान शांति से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दुनिया दो खेमों में बढ़ गई थी। एक तरफ रूस के समर्थन में कई देश खड़े तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश यूक्रेन के साथ खड़ा था। तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति के साथ खड़े थे लेकिन कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया था। हिंदुस्तान कभी किसी देश के साथ युद्ध नहीं चाहता है और यही वजह है आज अगर रूस यूक्रेन के साथ कोई आंख में आंख डालकर बात कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। क्योंकि रूस के साथ खड़े होने के बाद भी हिंदुस्तान ने यूक्रेन से बातचीत जारी रखी। अब एक बार फिर से दुनिया दो खेमों में पड़ गई है। जैसे मैं आपको रोज बताता हूं
तब भी हिंदुस्तान किसी भी खेमे में जाने के बाद इंसानियत का साथ दे रहा है, वो किसी देश के साथ नहीं खड़ा होता। हिंदुस्तान सिर्फ इंसानियत के साथ खड़ा होता है। गाजा पट्टी के अस्पताल में हुए हमले के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े लहजे में निंदा की थी इन हमलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमले के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गाजा के अहली अस्पताल में हुए विस्फोट के जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना भी जाहिर की है, साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर भी रुख साफ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी पूरी दुनिया को दी। मैं आपको राष्ट्रीय आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, वो बातचीत का अंश सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत की है। इस दौरान मैंने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना जाहिर की है, व्यक्त की है। हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। हमने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा, बिगड़ती सुरक्षा पर अपनी गहरी चिंता साझा की है। इसराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे वक्त से चली आ रही सिद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान इसराइल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। इससे पहले जब 7 अक्टूबर को इसराइल पर आतंकी हमला हुआ था तब भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले की निंदा की, इसराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की, आतंक से बदला लेने के लिए इसराइल का समर्थन किया था। अब गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला हुआ तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इसकी निंदा की, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत भी की। हिंदुस्तान इसराइल पर हुए हमले की निंदा करता है और गाजा के अस्पताल में हुए हमलों की भी हिंदुस्तान निंदा करता है। दोनों ही हमला इंसानियत के खिलाफ। मैं आपको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागिन जी को सुनवाना चाहता हूं, बातचीत क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। We have strongly condemned the horrific terrorist attack on Israel. The international community must stand together in combating terrorism in all its forms and manifestations, and there can be no equivocation on this. There was also issue of Palestine, and on that we have reiterated our position in favor of direct negotiations for establishing a two-state solution. We have also expressed our concern at the civilian casualties and the humanitarian situation. We would urge the strict observance of international humanitarian law. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान आतंकी हमलों के खिलाफ तो है ही, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना भी जानता है। इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया। इस ऑपरेशन के जरिए अब तक तकरीबन 1200 भारतीय वापस आए हैं, और यही नहीं, इनमें 18 नेपाली नागरिकों को भी हिंदुस्तान से वहाँ से सुरक्षित लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागन जी ने ये बताया कि वहाँ और भी फ्लाइट भेजने का प्लान चल रहा है। मैं एक बार फिर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनवाना चाहता हूँ, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन अजय जो चल रहा है उसके तहत करीब 1200 लोग अभी वापस आए हैं 5 फ्लाइटों पर। इसमें करीब 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल है। हम सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हम फ्लाइट्स और प्लान करेंगे। विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान इसराइल में फंसे भारतीयों को ही नहीं दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से निकाल रहा है।
इससे पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को हिंदुस्तान की सरकार सुरक्षा वापस लाई है, सुरक्षित वापस लाई है। दूसरे देश के नागरिकों को भी लाया गया है। ये नया हिंदुस्तान है, अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहता है, किसी भी मुद्दे पर अपना स्टैंड लेना चाहता है। और इसका ताजा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध और फिलिस्तीन युद्ध पर आपको देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों में जिस तरीके से जंग छिड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी लोग फंसे थे हिंदुस्तान के, उनको सबको सुरक्षित बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।